बुधवार रात मालदा डिवीजन के नाथनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के रेलवे ट्रैक से बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। रेलवे ट्रैक के बीच से वायर से कनेक्ट कर बम को प्लांट किया गया था। इसकी सूचना मिलते ही सीनियर एसपी नितीशा गुड़िया, एसएसपी पूरन झा समेत रेलवे के अधिकारी एसएसबी जवान के साथ पहुंचे और दोनों दिशाओं से आ रही 4 ट्रेनों को जगह जगह रोक दिया। काफी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद एसएसबी के जवान ने बम की जांच करने की कोशिश की। बम को पहले पत्थर से और फिर बांस से मारकर जांच की गई। जब बम नहीं फटा तो उसे नकली करार देते हुए हाथों में उठा लिया गया। इसके बाद बीएमपी 9 की टीम वहां पहुंचकर बम को असली करार दिया और डिफ्यूज किया। 3 घंटे बाद से ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कराया गया। बताया जा रहा है कि सुपर एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी, लेकिन बीएमपी 9 की टीम ने सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बचा लिया। इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।